नमस्कार। इस समय की हर बड़ी खबर से आपको करने खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। आज सबसे पहले खबरदार करना जरूरी है उस खबर से जहां दावा है कि ग्रह नक्षत्र के मेल से फुटबॉल का खेल भारतीय टीम में खेला जाता रहा। कुंडली, ग्रह नक्षत्र, योग, संयोग, भारत में करोड़ों लोग ज्योतिष शास्त्र पर भरोसा करते हैं। ज्योतिष शास्त्र को कोई विज्ञान कहता है, कुछ लोग भरोसा नहीं भी करते हैं। लेकिन आपसे पहले सवाल है, अगर भारतीय क्रिकेट टीम में एक खिलाड़ी ने शतक जमाया और अगले मैच से पहले कोई ज्योतिषी कह दे कि इस मैच में उस खिलाड़ी के ग्रह ठीक नहीं, इसीलिए मत खिलाइए, तो क्या आप भरोसा करेंगे? आप चौंक जाएंगे जैसे हम चौंके, क्योंकि आरोप है कि भारतीय फुटबॉल टीम के कोच एक ज्योतिषी से सलाह लेकर खिलाड़ियों की कुंडली दिखवाकर टीम का चयन करते रहे। क्या खिलाड़ी की काबिलियत नहीं बल्कि गृह नक्षत्र देखकर भारत की फुटबॉल टीम चुनी जाती रही? क्या कोच खिलाड़ी का प्रदर्शन नहीं बल्कि ज्योतिषी कुंडली देखकर भारतीय फुटबॉल टीम तैयार करते रहे? क्या भारतीय फुटबॉल टीम के चयन में खिलाड़ी की कुंडली खंगलवाकर ही देखा जाता था कि वो कैसा खेलने वाला है? सुनने में ही जो सवाल हैरानी पैदा करते हैं, यह खबर जब से सामने आई चौंका रही है। इस खबर के दो अहम किरदार हैं। पहला किरदार है इगोर स्टमिक, भारतीय फुटबॉल टीम के कोच, और दूसरा किरदार है भूपेश शर्मा, एक एस्ट्रोलॉजर यानी ज्योतिषी, जिनकी तस्वीर अभी हम इसलिए नहीं दिखा पा रहे क्योंकि वो बात करने को सामने नहीं आए। क्या इन दो किरदारों ने वाकई भारतीय फुटबॉल टीम का सिलेक्शन करने में खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस नहीं, खिलाड़ियों के ग्रहों की परफॉर्मेंस पर जोर दिया? क्या फुटबॉल टीम के कोच स्टमिक और एक ज्योतिषी भूपेश शर्मा ने 2022 में AFC एशियन कप में क्वालिफाई करने के दौरान ये देखा था कि कौन से खिलाड़ी के ग्रह ठीक चल रहे हैं, कौन सी खिलाड़ी की कुंडली में गोल मारने का योग बन रहा है, कौन से खिलाड़ी की कुंडली में अच्छे प्रदर्शन के नक्षत्र चल रहे हैं? क्या आपने खेल की दुनिया में ज्योतिषी की मदद से टीम को सेलेक्ट करने की कहानी सुनी है? जी बिल्कुल, भारतीय फुटबॉल में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां पर कोच एक एस्ट्रोलॉजर की मदद से टीम का सिलेक्शन करता था। खिलाड़ियों के जो डेट ऑफ बर्थ हैं, जो उनके कॉन्फिडेंशियल जो डेटाज हैं, उसको शेयर किया गया एस्ट्रोलॉजर के साथ और वहां से जो है टीम को सिलेक्ट करने का ये प्रोसेस शुरू किया गया। जब आज तक ने उस एस्ट्रोलॉजर यानी भूपेश शर्मा से बातचीत करने की कोशिश की तो उनका नंबर भी बंद आया। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सवाल होता है कि क्या एक एस्ट्रोलॉजर की मदद से टीम का सिलेक्शन कितना जायज है? नितिन श्रीवास्तव, दिल्ली आज तक। आज तक ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के पूर्व महासचिव कुशल दास से सवाल किया इस बाबत। दावा है कि कोरोना काल में उन्होंने ही भारतीय टीम के फुटबॉल कोच को ज्योतिषी से मिलवाया था। इनका क्या कहना है, एक बार आप पूरी बातचीत सुनिए। So, sir, at your time when you were the secretary of the federation, there was a astrologer. I mean, how come an astrologer can pick the squad of national team, sir? See, about picking the squad, I don't know. But the fact was that those were very difficult times. There was COVID, and unlike the old format of Asian Cup qualifiers, which was home and away, there were only one matches to be played. So I was discussing with the coach, one bad match and you are gone. So, and I met this, as I mentioned in today's newspaper, also in the Indian Express, that I met these people at a particular meeting who actually had given advice in terms of a particular player's career, his phase, etc., which can help motivate the right kind of players and selection. Which I then, because we were very clear that we needed to perform very well, I put that person in touch with the coach, and then he liked him, he spoke to them, and then after that it has been completely between the coach and this person. Of course, he had to be paid for his services because he was provided services for well over 2 months. And the selection, etc., I don't know. In my 12 years in the Federation, I have never ever questioned the coach about selection.
But so there's the thing that, I mean, just getting in touch with an astrologer and asking a coach to sit with them and to discuss about the players is absolutely unfair with the deserving players, I mean, who should be in the team. No, see, it was not asking. It was no instructions was given. It was up to the coach. He could have absolutely refused. But what was the need to, I mean, get in touch with an astrologer? I mean, we never got in touch with an astrologer. We met that person at a particular meeting, and he said that this is what I do for various telecom companies, for various other corporate bodies also. And would you, and India would, and sports also, they told me that in sports also this is done. So I said, all I can do is I can put you in touch with the coach. That's the end of the story. After that is his decision. And then if the coach found it fit and the coach felt that services could help him, it was up to the coach. बात साल 2022 की है. भारतीय फुटबॉल टीम ने एएफसी एशियन कप के लिए क्वालिफाई करते हुए पांचवीं बार जगह बनाई थी. शानदार प्रदर्शन किया था. तब न्यूज एजेंसी पीटीआई के हवाले से खबर आई थी कि एशियन कप से पहले देश की फुटबॉल टीम के लिए ज्योतिष से जुड़ी कंपनी से करार हुआ और 16 लाख रुपए का भुगतान भी हुआ. अब सवाल है कि वो ज्योतिषी करते क्या थे. एक अखबार की रिपोर्ट के अनुसार आरोप है कि भारतीय फुटबॉल टीम के कोच इगोर और ज्योतिषी भूपेश शर्मा के बीच मैच से पहले खिलाड़ियों को लेकर चैट होती थी. 100 से ज्यादा मैसेज मिलने का दावा है. अफगानिस्तान के खिलाफ एशियन कप क्वालिफायर मैच से 48 घंटे पहले भारतीय फुटबॉल टीम के कोच ने दिल्ली एनसीआर के एस्ट्रोलॉजर भूपेश शर्मा को एक लिस्ट भेजी थी जिसमें मैच के 11 संभावित खिलाड़ियों का नाम था. दावा है कि कोच से खिलाड़ियों के नाम की लिस्ट के मिलने के कुछ ही घंटों में ज्योतिषी ने हर खिलाड़ी के नाम के सामने अपने कॉमेंट के साथ जवाब भेज दिया. कुछ खिलाड़ियों के लिए ज्योतिषी भूपेश शर्मा ने लिखा, अच्छा कर सकते हैं. कुछ को अति आत्मविश्वास से बचने की सलाह दी. कुछ के लिए रेड सिग्नल दिखाया. रिपोर्ट में दावा यह भी किया गया है कि 11 जून को अफगानिस्तान के खिलाफ मैच के किक ऑफ से एक घंटे पहले जब भारतीय फुटबॉल टीम घोषित की गई तो एस्ट्रोलॉजर की रिपोर्ट के आधार पर उस टीम में उन दो बड़े खिलाड़ियों को जगह नहीं मिली थी जिनके सितारे ज्योतिषी के अनुसार गर्दिश में चल रहे थे. दावा है कि ज्योतिषी ने कोच को एक अटैकिंग मिडफील्डर के ग्रह ठीक न होने की जानकारी दी थी. अब इस बारे में हमारे संवाददाता नितिन श्रीवास्तव फुटबॉल फेडरेशन से सवाल करते हैं तो वो फिलहाल जवाब नहीं दे रहे. हम ज्योतिषी भूपेश शर्मा से भी बातचीत करना चाहते हैं लेकिन फिलहाल उनका भी जवाब नहीं मिला है. हमारे देश में नेता टिकट बंटने से अपनी कुंडली ज्योतिषियों से मिलवाते हैं, दिखवाते हैं कि चुनाव में टिकट मिलने का कितना योग है. सितारे पिक्चर की रिलीज से पहले मंदिरों में जाते हैं, दरगाह पर माथा टेकते हैं, ज्योतिषी के संपर्क में रहते हैं. बहुत से लोग अपने भविष्य के लिए ज्योतिष विद्या के सहारे होते हैं. सवाल ज्योतिष विद्या पर नहीं है, सवाल है कि क्या खिलाड़ियों का चयन ऐसे ग्रह नक्षत्र देख कर होना चाहिए. हमने इसीलिए दो लोगों से बात की है. पहले ज्योतिषी की ही राय सुनिए. जब भी किसी का डेट ऑफ बर्थ देते हैं, भले हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें या न्यूमरोलॉजी की बात करें, कहीं ना कहीं उसके स्टार्स, उसका टाइम पीरियड वो इफेक्ट करता है. हम उस टाइम पे उनका क्या दशा चल रही है, क्या पीरियडिक टाइम चल रहा है, वो सब इफेक्ट करता है क्योंकि वो नंबर है, वो टाइम है उस समय और किस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो चीजें स्टार्ट हुई, वो सब चीजें इफेक्ट कर. एग्जैक्ट टाइमिंग्स की अगर हम बात करें और हम प्रॉपर उसका डिटेल कैलकुलेशन कर पाए कि वो किस मंथ में किस टाइम पे वो करने वाले हैं, तो उसका हम पूरा चार्ट अगर क्रिएट करते हैं तो यस, उन चीजों का इफेक्ट जरूर और हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं. बट कई बार क्या होता है, कुछ चीजें आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, कुछ टाइमिंग्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं. हमने टाइम पीरियड तो देख लिया कि उस बंदे का टाइम पीरियड कैसा है या उसके लिए क्या है, बट आउटर सराउंडिंग्स, बाकी खेलने वाले लोग, बाकी जो चीजें कंसर्न है वो भी तो कंसर्न रखेंगे. प्रैक्टिकली अगर मैं देखूं तो टीम एक सिंगल इंडिश एक इन वो नहीं है, इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसमें. बहुत सारा, बहुत ज्यादा लोग हैं उनमें, उन सब का डिटेल्स कंपाइल करना, उन सब एक्सटर्नल फैक्टर्स को क्रिएट करके चलना, तो विच इज लिटिल बिट इम्प्रैक्टिकल. नो, सारे सब पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती. हर इंसान का अपना कार्मिक इफेक्ट है, अपना डेट ऑफ बर्थ है. कोई 10-5 पे पैदा हुआ है, कोई 10-10 पे पैदा हुआ है. सो एवरीबडी हैज देयर ओन. और जरूरी नहीं कि आज अगर मुझे एक चने को कोई टाइम फेवर कर रहा है तो वो दूसरे को भी करेगा, वो पूरी टीम को करेगा. सो इट कैन हेल्प एट सर्टेन एक्सटेंट बट नॉट टू द कंप्लीट सिनेरियो के अगर हम बात करें. तो आपने ज्योतिषी की राय सुनी.
बहरहाल भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व चयनकर्ता और विश्व कप जिताने वाली पहली भारतीय क्रिकेट टीम के मशहूर खिलाड़ी मदन लाल से भी हमने बात की, पूछा कि क्या कुंडली देखकर खिलाड़ी चुने जाने चाहिए जैसा फुटबॉल टीम के साथ दावा हो रहा है, या केवल खिलाड़ियों का प्रदर्शन देखा जाना चाहिए। ये स्टोरी सुनकर मुझे हंसी भी आ रही है और अफसोस भी बहुत हो रहा है, इसलिए कि देखिए जो एशियन गेम फुटबॉल की टीम जो बना रहे हैं सेलेक्टर एंड कोच, वो ऑस्ट्रेलियर से पूछकर बना रहे हैं। और अफसोस की बात यह है कि जो हमारे सेलेक्टर्स हैं या कोच हैं, वो ऑस्ट्रेलियर से पूछकर हमारे जो फुटबॉल के खिलाड़ी हैं उनका कैरियर बनाएंगे। ये तो गलत बात है, और मैं भी सेलेक्टर रहा हूं, ऐसा कभी नहीं हमने ना सोचा है। ये पहली दफा मेरी लाइफ में ऐसी बात सुनने को आई है, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, और मैं समझता हूं कि जो अधिकारी है उनसे उनकी पूछताछ भी होनी चाहिए। खेल में सबसे अहम माना जाता है अनुशासन को, और अनुशासन आता है नियम से। अगर 11 खिलाड़ियों के चयन के पीछे एक तय नियम होता है और उस नियम को इस प्रकार तोड़ा जाए कि पिछले मैच में जिस तरह का फॉर्म रहा है, जिस तरह का प्रदर्शन रहा है, वो आपकी टीम सिलेक्शन में कोई भूमिका ही नहीं निभाएगा, तो ये बहुत गंभीर विषय है। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स द कैंप।